नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IT ज्ञान में। दोस्तों, हम एजोरे स्टोरेज अकाउंट की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बारे में मैंने काफी सारे वीडियोस पहले बना रखे हैं। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, काफी काम के हैं आपके लिए। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एजोरे स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड अगला टॉपिक, जिसका नाम है डाटा रिडंडेंसी। तो डाटा रिडंडेंसी क्या होता है, अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो वहां पर हम आपने देखा होगा जब भी हम कोई स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक ऑप्शन आता है डाटा रिडंडेंसी सेलेक्ट करने का। तो अभी हम उसको देख लेते हैं एक बार कैसे आता है। तो अगर मैं स्टोरेज अकाउंट पे जाता हूँ और यहाँ पे एक ये पहले से हमने बना रखा था, अगर आप नया बनाते हैं तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप और स्टोरेज अकाउंट का नेम ये डालेंगे। तो मैं डाल के दिखाता हूँ, अकाउंट 1212, बिकॉज ये बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, आपको मैंने पहले ही बताया था। देखिए इस तरह का नाम पहले से नहीं ले रहा है, तो अकाउंट MS अकाउंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हम टाइप कर देते हैं, ऑलरेडी है इसके पास। तो चलिए ये ले लिया है, हम बनाएंगे नहीं, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आता है रिडंडेंसी का, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो पहला, दूसरा LRS, GRS, ZRS, GZRS, तो ये सब क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर स्टोरेज में जब आप कोई भी एक स्टोरेज अकाउंट पे कोई भी फाइल कॉपी करते हैं, जैसे कि मैंने अपना एक स्टोरेज अकाउंट बना लिया है और मैंने कोई भी एक डाटा कॉपी किया, एक फाइल कॉपी किया, या कह लीजिए कि हमने एक ब्लॉक अपलोड किया, तो वो क्या करता है बेसिकली अपने स्टोरेज पे जहाँ पे आपने उसको कॉपी किया है वो अपने यहाँ पर 3 कॉपियाँ बना लेता है। इससे होता यह है कि अगर आपका कभी भी सर्वर लेवल फेल हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए डिस्क में, तो एक में फेल होगा तो वो वहाँ पे दूसरी डिस्क से आपको वो डेटा दे देगा, 3 जगह वो कॉपी बना लेता है। ये हम बात करें लोकल रिडंडेंसी स्टोरेज की, अगर हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो, जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन यही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉपी बना लेता है और इसके साथ ही वो को हेल्प करता है अगर सर्वर की रैक फेल हो जाए या ड्राइव फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर एक फेल हो गई तो आपको दूसरे से डाटा मिल जाएगा। तो इस तरह वो काम करता है, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है उस केस में जब भी कोई भी सर्वर रैक का प्रॉब्लम होता है, पावर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई ड्राइव फेल हो जाए तो उनके डाटा सेंटर में, उस पर्टिकुलर रैक में। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने स्टोर किया तो 3 कॉपी बना लिया, इसने उसी सर्वर या कहे उसी डाटा सेंटर में इसने बनाया था जिस एक पर्टिकुलर डाटा सेंटर में हमने अपना डाटा रखा है। तो मान लीजिए अगर पूरा का पूरा डाटा सेंटर फेल हो गया तब क्या करेंगे, आपका डाटा उठ जाएगा। तो वहाँ पर काम आता है हमें ये सेकेंड ऑप्शन जियो रिडंडेंट स्टोरेज। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पर आपको एक ही रीजन में 3 डाटा सेंटर पे उसको वो कॉपी बना लेता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा है, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाटा सेंटर लेवल फेलियर। मान लीजिए ये डाटा सेंटर फेल हो गया तो आपको यहाँ से डाटा दे देगा या यहाँ से दे देगा, दूसरी जगह से डाटा देगा, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक डाटा सेंटर फेल हुआ तो दूसरे से तीसरे से आपको डाटा दे देगा, यहाँ पर ये आपको काफ़ी यूजफुल रहता है। तो यहाँ पर जो आप ये डाटा सेंटर होता है जिसे हम AG कहते हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा पिछले के वीडियोस में, ये सब AG है। यहाँ पे कहने का मतलब है ये अवेबिलिटी जोन है, ये अवेबिलिटी जोन है और ये एक अवेबिलिटी जोन है। तो ये जो हमारे 3 अलग अलग अवेबिलिटी जोन है, हम काम एक में करते हैं लेकिन वो डाटा हमारे 3 अलग अलग अवेबिलिटी जोन में कॉपी हो जाता है और ये एक ही रीजन के अंदर रहता है। मान लीजिए आपने एक रीजन सेलेक्ट किया तो उस रीजन में 3 अलग अलग डाटा सेंटर में ये डाटा कॉपी हो जाएगा। तो अगर एक डाटा सेंटर फेल होता है तो हम उसको डाटा रिकवर कर सकते हैं, हमें वहाँ से मिल जाएगा दूसरे अवेबिलिटी जोन से। तो इस तरह का यहाँ पे ये फैसिलिटी रहती है। और खास बात यह है कि जो अलग अलग अवेबिलिटी जोन होते हैं, जैसे कि ये है, तो इसका पावर सप्लाई, फिजिकल लोकेशन, कूलिंग, नेटवर्किंग सब सेपरेट होगा। इसका कूलिंग, नेटवर्किंग, फिजिकल लोकेशन सब कुछ सेपरेट होगा और ये भी सब कुछ सेपरेट होगा। एक ही रीजन में डाटा सेंटर अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे इंडिया में मान लेते हैं एक रीजन है वेस्ट इंडिया रीजन करके या सेंट्रल इंडिया रीजन करके, मान लीजिए कुछ भी, तो वहाँ पे हमारा एक डाटा सेंटर है मुंबई में और एक उससे 200 किलोमीटर की दूरी पे एक होगा और उससे और 200-250 किलोमीटर की दूरी पे एक होगा। तो इस वजह से ये दोनों का, तीनों का फिजिकल लोकेशन अलग रहता है, पावर सप्लाई और ये बाकी सारी चीजें सेपरेट रहती है। तो यहाँ पर अगर एक फेल होगा तो दूसरे से डाटा मिल जाएगा, दूसरे का फेल होने का चांस बिल्कुल ही कम है। तो
मान लीजिए अगर आपका रीजन ही पूरा फेल हो गया, ये जो रीजन आपको दिख रहा है यही पूरा फेल हो गया, तब आप क्या करेंगे? तो अगर पूरा का पूरा रीजन फेल हो जाता है तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन काम आता है जो है जियो रिडंडेंट स्टोरेज। यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है कि मान लीजिए ये है ईस्ट यूएस रीजन और ये है सेंट्रल यूएस रीजन। तो हैंड राइटिंग के लिए माफ करिएगा क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, अच्छे से हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ईस्ट यूएस रीजन है और ये है सेंट्रल यूएस रीजन। तो अगर एक रीजन फेल होता है तो हम दूसरे रीजन से यहाँ पे डाटा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे होता है कॉपी? मान लीजिए हमने कोई डाटा यहाँ पे रखा है तो ये पूरा का पूरा रीजन जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पर कॉपी बना लेगा और हमारा डाटा जब भी जैसे हम यहाँ पे कोई डाटा ऐड करेंगे वो डायरेक्ट कॉपी बन जाएगा, कोई डाटा रिमूव करेंगे वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, सब कुछ जो यहाँ करेंगे वो पूरा का पूरा यहाँ पे एक रिप्लीकेट हो जाएगा। इवन आपको बता दें कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है जब आप यहाँ पे कोई भी डाटा रखते हैं तो आपको जो फर्स्ट केस था LRS लोकली रिडंडेंट स्टोरेज जो तीन कॉपी बनाता था वो ऑलरेडी यहाँ पे फॉलो होता है। तो हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे LRS तो फॉलो होगा ही। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे डाटा ओपन कुछ कॉपी किया तो ये तीन कॉपी बना लेगा अपने आप, यहाँ पे एक दो तीन कॉपी बना लेगा और सेम चीज़ ये यहाँ पे रिप्लीकेट कर देगा और यहाँ पर भी आपको उस डाटे की तीन कॉपी मिलेंगी। तो ये रीजन फेल्योर के केस में काम आता है। तो मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो ये पूरा का पूरा रीजन डाउन हो गया तो अब आप क्या करते हैं यहाँ से अपना डाटा ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जब आपका प्राइमरी रीजन चल रहा होता है तो आप सेकेंडरी रीजन पे, ये हमारा प्राइमरी रीजन है क्योंकि हमने सारा काम यहीं पे किया है, जब आपका प्राइमरी रीजन एकदम बढ़िया होता है तो हम सेकेंडरी रीजन से डेटा नहीं रिट्रीव कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इवन हमें ये पता भी नहीं होता कि ये हमारा सेकेंडरी रीजन कहाँ है क्योंकि वो आपको एजोरे नहीं बताता है, उनकी कोई पॉलिसी है। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी रीजन बताएगा और वो कुछ पॉलिसी होती है जैसे कि नज़दीक कौन सा होगा या क्या होगा, उस हिसाब से वो अपना सेकेंडरी रीजन खुद ही चूज़ करते हैं। वहाँ पे आपका एक कॉपी बनाएंगे, पूरा का पूरा रीजन उस तरह का रिप्लीकेट कर देंगे जैसा आपका यहाँ पे एनवायरमेंट होगा, सेम एनवायरमेंट दूसरे रीजन पे कॉपी कर देंगे। तो इस तरीके से ये चलता है। तो अगर यहाँ कुछ फेलियर हुआ तो पूरा का पूरा आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर जब तक ये फेल नहीं होगा तब तक आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको कॉस्ट हमेशा देते रहना है क्योंकि आपको मैंने बताया था जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ज्यादा अच्छी सर्विस यूज करेंगे आपको प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राइस बढ़ता जाएगा यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ ये रीजन भी यूज कर रहे हैं, आप ये रीजन भी यूज कर रहे हैं, आपको यूज हो रहा है लेकिन आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब ये फेल होगा तब जरूरत होगा, बट आप यूज तो कर ही रहे तो एजोरे आपको चार्ज करता रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है रीड ओनली जियो रिडंडेंट स्टोरेज। ये बिल्कुल सेम इसका कॉपी है लेकिन फर्क यह है कि जब यहाँ पे क्या होता है कि जब तक आपका प्राइमरी रीजन डाउन नहीं होता आप सेकेंडरी को एक्सेस नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप प्राइमरी को भी एक्सेस कर सकते हैं और सेकेंडरी को भी रीड ओनली कर सकते हैं। मतलब आप इसको कुछ एडिट तो नहीं कर पाएंगे बट आप उसे रीड कर सकते हैं, जो भी आपका डाटा है रीड कर पाएंगे। सेम चीज़ बाकी जो कॉन्सेप्ट है पूरा सेम होता है बट यहाँ पे आपको पता ही नहीं कहाँ पर है तो आप रीड कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक ये फेल नहीं होगा, जब तक आप इसे कुछ नहीं कर पाएंगे सेकेंडरी को। तो यहाँ पे आप प्राइमरी को रीड राइट कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सेकेंडरी में आप ओनली रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये रीड करने का एक्सेस मिल जाएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस में होता है कंपनी के केसेस में, जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो आप कुछ लोग यहाँ से एक्सेस कर रहे होते हैं, कुछ मान लीजिए किसी को रीड ओनली करना है तो उन्हें यहाँ पे बाईपास कर दिया जाता है कि आप यहाँ से डाटा देख लीजिए, रीड कर लीजिए, आपको यहाँ से एक्सेस दे दिया गया है। तो इस तरीके का ये ऑप्शन यूज होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर जब भी आप यहाँ पे कोई डाटा रखते हैं तो और जब वो डाटा ट्रांसफर होता है तो उसका कॉस्ट भी होता है। यहाँ पे स्टोरेज का और रीजन का कॉस्ट तो होता ही है लेकिन जैसे कि आपने एक फाइल रखा वो यहाँ ट्रांसफर होगा उसका भी कॉस्ट देना पड़ेगा, दूसरी फाइल रखी उसका ट्रांसफर हुआ उसका भी कॉस्ट देना पड़ेगा, तो आपको ये कॉस्ट देते रहना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तो है ही, लेकिन अगर आप एक दो बार इसको देख लेंगे पढ़ लेंगे तो आप सोचेंगे कि आपको लगेगा ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चल जाए लोकल रिडंडेंट मतलब लोकल में तीन कॉपी बना देता है, उसके बाद जोन रिडंडेंट में मतलब एक ही जोन में तीन कॉपी बना देता है, उसके बाद जियो रिडंडेंट स्टोरेज में मतलब आपको एक रीजन के ऊपर दूसरा रीजन आपको देता है। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अगर नहीं समझ आया तो रुक के धीरे धीरे आप एक बार फिर से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ बता दिया। और एक्चुअली होता यह है कि जब आपको पता रहता है तो आप बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन जब आपको नहीं पता रहता है तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसको अगर आराम से देखेंगे एक दो बार तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि क्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो अभी आपको ये डाउट क्लियर होगा कि हम क्यू सेलेक्ट करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे आप मैंने एक्चुअली पहले बता दिया है, जैसे आप पहला वाला ऑप्शन करेंगे उसका कॉस्ट कम है, उसके बाद कॉस्ट ज़्यादा है, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो उसका कॉस्ट और ज़्यादा
बढ़ते जाएगा, लेकिन आपको फैसिलिटी भी उतनी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, मेरी गारंटी आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और लैब करेंगे, अच्छे से दिखाएंगे और आपको बताएंगे अगले ऑप्शंस के बारे में जो कि हमें स्टोरेज में मिलता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।